जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। गौशाला के क्षेत्रीय गौशाला विकास समिति के जिलाध्यक्ष राधेश्याम बत्रा अनूपगढ़ ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को लिखे अपने पत्र में गत 4 माह अप्रैल मई जून जुलाई का बकाया अनुदान नहीं मिला है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि गत 4 माह से गौशालाओं को अनुदान राशि नहीं मिली है, वरना ही अनुदान के लिए अभी तक कोई निरीक्षण बिल वाउचर प्रक्रिया प्रारंभ की है और वर्तमान में गौशालाओं में गौमाताओं की स्थिति नाजुक बनी हुई है। गौशाला विकास समिति श्री गंगानगर के जिलाध्यक्ष राधेश्याम बत्रा ने बताया कि पहले कोरोना महामारी के चलते गौशालाओं में पहले ही स्थिति गौशालाओं में आर्थिक तंगी के चलते विस्फोटक बनी हुई है। वह रोजाना हजारों की संख्या में गौमाता मरने पर मजबूर हैं, पर रोजाना हजारों गाय व दुधारू पशु अकाल मौत मर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तोड़ी चारा के भाव में भारी उछाल आने से वह अभी लंपी स्किन डिजीज की बीमारी के चलते गौशालाओं की आर्थिक तंगी के चलते कमर तोड़ कर रख दी है, जिसके चलते राज्य सरकार को इस ओर अविलंब ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं है जिसके चलते गौशालाओं में एक भी पशु नहीं बचेगा। अनूपगढ़ से DL सारस्वत की रिपोर्ट।